आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज की शुरुआत हम लोगों की शाम को ही हो रही है, यहाँ पे डेली मेरा शाम को ही स्टार्ट होता है। और अभी फिलहाल बारिश हो रहा है, मतलब 2-3 दिन से लगातार धूप था तो आज थोड़ा बारिश हो रहा है, तो बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा है। तो आगे बने रहिए मेरे व्लॉग में। इधर मैं पीहू अभी जस्ट सो के उठी है और इसने खाया है ओरियो बिस्किट, जो कि इसके फेस में भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और सो के उठी तो इसका फेस तो लग रहा है ना, सो के उठी है। तो मैंने आज मुँह हाथ धुलाया क्योंकि बारिश हो रहा बाहर। आज मैंने खूब सारे कपड़े भी धोए थे पर बारिश की वजह से सारे कपड़े मेरे गीले के गीले ही रह गए, अभी तक सूखे भी नहीं है। हाय बोल दो। हाय गाइस, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आप हो? 1 2 सुना था तो 1 2 4 5 6 7 8 9 9 10। वाह 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 वाह। आईज कहाँ बेटा आपका? नोज, हेयर, हेयर हेयर। अच्छा वाला पोयम सुना था तो बेटा, जोनी जोनी वाला। जोर से। और वो वाला चंदा मामा वाला। चंदा मामा जो ट्रॉस से खेल रही है ये। इस शाम की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, झाड़ू। हमारे इधर ऐसी झाड़ू होती है, मतलब वो इसका ना पौधा होता है, उसी को काट के लाते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, फिर इसको बनाते हैं झाड़ू को घर में ही, और वही वाला झाड़ू हम लोग घर में यूज करते हैं। तो मैं भी झाड़ू लगाने जा रही हूँ फिलहाल और फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए गाइस, पीहू की दादी क्या लेके आई है, मूंगफली, जो कि हम लोगों का खेत का है, एकदम ताज़ा ताज़ा अभी उखाड़ के लाई है इसको। वो पीहू के लिए लेके आई थी और देख रही थी कि बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब उखाड़ने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए उखाड़ने लायक हो गया, इतना बड़ा बड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा बीज, बड़ा बड़ा बीज भी हुआ है इसमें और खाने में भी मीठा मीठा लग रहा है बादाम। ओह, चलते हैं छत पे, मैंने पानी स्टार्ट किया है, पानी ख़त्म हो गया था टंकी में तो हमने पानी स्टार्ट किया। अभी देखते भरा कि नहीं भरा, देखिए कितना पानी आया, सारे खेत भर गए पानी से, जितने भी है। मौसम सुंदर सा, प्यारा सा, पानी बंधने के बाद क्या सुनहरा मौसम। उधर चूल्हा जला रही है, और इधर हम लोगों का उस घर में काम चल रहा है। वैसे पानी अभी थोड़ा सा बंद हुआ है ऊपर घर में, वहाँ पे जेसीबी से गड्ढा खोद रहा था, उधर पोखर पूरा भर गया तालाब। पेड़ वैसे सुंदर लग रहे हैं, हरे हरे, बारिश के बाद एकदम फ्रेश हो जाते हैं सारे पेड़। तो हम लोग लेके आए हैं फुचका, ये देखिए इसमें पानी है, इमली वाला, और ये फुचका जो घर में बनता वही वाला है, बेचने आया था इधर तो हमने भी ले लिया। मैं पी हुई इंतजार कर रही है फुचका खाने का। खा लो बेटा, क्या खाएगी बेटा? गाइस मैं जा रही हूँ अपने नए घर तरफ, जो कि हम लोगों का नया घर बन रहा है ऊपर, तो वहीं मैं जा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोगों का घर कैसा बन रहा है। अभी थोड़े ही दिन में वहाँ पे छत भी ढालने वाले हैं, तो अभी काम चल रहा है, तो आगे बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो ये देखिए, ये है हम लोगों का नया घर, ये ऊपर से दिखा रही हूँ मैं,
और इधर देखिए गड्ढा भी खुद चुका है और अब यहाँ पे छत ढलने वाला है, तो उसी के लिए काम चल रहा है। सारा रड वगैरह गिर चुका है, अब दीवार उठेगा जो आगे साइड में, बस वहाँ पे दीवार उठेगा, सीढ़ी बनेगा और फिर उसके बाद छत ढालेंगे। बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बीच में हॉल है, उधर दो रूम है, फिर किचन है, फिर इधर लेटरिन बाथरूम है और इधर एक और रूम है। तो इसको हम लोग जैसे इसमें बीच में दीवार नहीं किया, इसीलिए बढ़िया बड़ा रूम बन गया है ये। और इधर से लेफ्ट साइड में हम लोगों का है सीढ़ी। तो देखिए इधर मैं आप लोगों को अपना सीढ़ी भी दिखाती हूँ चढ़ के यहाँ पे सीढ़ी में। अभी पूरा सीढ़ी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने में भी और भी समय लगेगा, इसको एक दो दिन लगेगा मतलब, क्योंकि जो एक ही यहीं तक का सीढ़ी बना है, इसके ऊपर अभी बनाए नहीं है, काम चल रहा है। और इधर देखिए ये है हॉल, यहाँ पे सब बल्ली वगैरह जो है वो सब गाड़ना स्टार्ट हो चुका है छत के लिए। और उस साइड में भी एक गेट दिया हुआ है जो उधर से अमरूद वगैरह लगा हुआ है हम लोगों का उधर। और यहाँ पे आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं इधर किचन है हम लोगों का, यहाँ पे किचन बनेगा। और इसमें भी हम लोगों ने दो खिड़की दी हुई है मस्त बड़ी बड़ी सी सुंदर सी, जहाँ से हवा आएगी एकदम ठंडी ठंडी। और यहाँ पे बेसिन वगैरह का भी काम, मतलब अभी बहुत सारा काम बाकी है फिलहाल। पर इधर जो है और रूम है, फिर मतलब दो रूम बने हुए हैं साथ में, एक साथ ही दोनों रूम बने हुए, और इसके ऊपर भी बनेगा, वो सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। बस ये रहेगा कि उसमें बालकनी रहेगी, मतलब जो आगे साइड में है उसके वहाँ पे बालकनी बनाएंगे। और ये देखिए ये है बड़ा सा रूम एक, इसमें भी दो खिड़की हुई है दोनों साइड से। और ये रूम भी काफ़ी बड़ा है हम लोगों का, दो रूम है, दोनों बड़े बड़े रूम है, मतलब तीन रूम है वैसे तो, पर हम लोग दो ही की गिनती करते हैं, जो आगे वाला है रूम है उसको गिनती में नहीं लेते हैं कि वो रूम है। तो इधर देखिए फिर इधर पीछे साइड में यहाँ पे अमरूद वगैरह हैं, और फिर यहीं पे हम लोगों ने बोरिंग भी करवाया है और इसमें सोलर लगवाया है हम लोगों ने। सोलर से हम लोगों का देखिए उधर सोलर लगा हुआ है, इसी से हम लोगों का मोटर वगैरह चालू होता है। अमरूद अभी फले हुए नहीं है, अभी पूरा खाली है यहाँ पे। जब ये सब हट जाएगा तब यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल लगाएंगे हम लोग। और इधर देखिए ये जो सीढ़ी का काम है ये भी बाकी है, जो ऊपर में एक और सीढ़ी बनेगी, बस अभी ये यहीं तक बना है। और अभी आज शायद ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में त्यौहार बना रहे हैं इसीलिए। और ये ऊपर से उतना क्लियर दिख नहीं रहा है, इससे थोड़ा सा ऊपर चढ़ते तो और भी बढ़िया दिखता, प्लस जो अंदर से दिखता है बस वही, बाकी यही हम लोग का भी नया घर बन रहा है। घर से आ चुके हैं हम लोग ऊपर वाले, और मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।